कल थोड़ा था, कल मैं ऑफिस में थी और आया रिजल्ट, तो उसमें एक लड़की को मतलब हमारे यहाँ ऐसा था कि जिनका नहीं होगा उनको रिमूव कर देंगे बैच से, फिर वो अनाउंस करेंगे कि हाँ गाइज यू आर सेलेक्टेड। तो सर ऐसे थे, मैं सर कहते क्या हुआ, मैं कह सर एक लड़की का नहीं हुआ। अरे तुम्हारा क्या हुआ? अरे सर मेरा हो गया पर उस लड़की का नहीं हुआ। सर कह तुम्हारा हो गया? यस पक्का हो गया? हम कह यस सर हो गया। अरे तो खुश रहो हो गया तुम्हारा। कैब सर एक जीरो नंबर की तरह है जो हम सब के पीछे लग के, जैसे जीरो किसी भी नंबर के पीछे जाके उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, वैसे कैब सर। और ये काम होता है बस एक मकाम के लिए, राइट? अरे शायरी नहीं है, राइट? एक उस्ताद के लिए, एक अध्यापक के लिए, एक टीचर के लिए, एक ट्रेनर के लिए, जो भी आप मुझे कंसीडर करते हैं। आई वॉज लाइक यू नो वेन एवर आई जस्ट गेट अ न्यूज कि सर आई हैव बीन सेलेक्टेड समथिंग, राइट? आई रियली फर्स्ट यू नो बिकम सो मच हैप्पी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक आउटकम होता है। लेकिन इस बैच की एक लड़की, जो एक बात मैं उससे सिर्फ कहा करता था और कहीं ना कहीं वो चीज़ लगन, वो धुन मुझे दिखी कसम से, वो कभी स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं ली, वो हार्डवर्क को कभी कंसीडर नहीं की कि ये हार्डवर्क है। उसे कहा भी करता था और उसका उसके उसके दिल से मुझे दिख गया था कि ये सच में हार्डवर्क को हार्डवर्क की तरह नहीं ले रही है, वो अपने स्ट्रगल को, अपने हार्डवर्क को अपना सपना की तरह ली थी। कसम क्लैप आ रहा यार। हम लोग कसम से जब स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल वर्ड से ही जैसे लग रहा है कि मेहनत, क्या ही रे स्ट्रगल, बहुत कठिनाइयां हैं, बड़ी मेहनत करनी है। तो लाइक यू नो हम लोग कभी भी, अभी मुझे ये स्टडी करनी है, मुझे बड़ी मेहनत करनी है, ये हार्डवर्क वर्ड ही बड़ा हार्ड कर देता है। कभी हार्डवर्क को एज अ हार्ड की तरह मत देखो, हार्डवर्क को ऐसे सपनों की तरह देखो। फिर आप चलते रहो सुबह से शाम तक, जो है आप पढ़ाई करते रहो, पता नहीं चलेगा कि आपने इतनी मेहनत कर डाली। एग्जैक्टली रात रात में कभी कभी जो है भेजना टॉपिक लिखकर, रिकॉर्डिंग का भेजना, कुछ डाउट हो तुरंत सर कैन आई हैव योर टाइम प्लीज आई वांट टू आस्क दिस वन, कभी कभी आधा घंटा डिस्कस ही कर लेना, ऑफिस पे आ जाना शाम को डेली। कसम से ठंडी में कभी कभी डांटता भी था चप्पल में इसे, जो है स्लीपर में, इतनी सादगी से रहने वाली लड़की स्लीपर में जो है दौड़ते 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 आती थी रात में, फिर जाती थी ऑफिस में, आती थी बैठती थी डिस्कस करती थी, ये सब दिक्कत है। कभी डांट देता था, कभी इमोशनल, तो कभी सैड, तो कभी खुशी, तो कभी मस्ती, कभी मजाक सीखी। और कल रिव्यू देने के बाद फोन, मैं तो इसको नहीं किया, मैंने कहा कि भाई मैं भी चल रहा होगा भी रिव्यू, मैं स्फूर्ति को फोन किया, मैंने कहा अमृता कहाँ है, क्या हुआ, इज एवरीथिंग फाइन? कर यस सर अभी भी जस्ट हो गया है, मैं कहा बात कराइए। हाँ सर हो गया है बट, मैं कहा क्या बट, मुझे डर लगा। करे सर मुझे लग रहा है कि एक दो साल मैंने मिस्टेक कर दी। मैंने कहा क्या मिस्टेक होगी भाई? करे सर शायद मैं सर्वाइवल को सर्वाइवनेस ऐसा कुछ बोल दिया। मैंने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं अभी देखते हैं। फिर मैं क्लास में आ गया, 5 से 7 वाली बैच थी। मैंने कहा ठीक है बेस्ट ऑफ लक जाओ टेक केयर। फिर 5 से 7 वाली बैच के बाद फिर मैसेज आता है स्फूर्ति का, सर सी इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। अरे मैं कहा कि क्या हो गया, मैं तो डर गया। मैं जैसे देखा नोटिफिकेशन आता सी इज़ वेरी, मैं कहा गई, मैं एकदम से चक्कर खा गया। फिर देखा मैसेज सर कि बिकॉज कि वो पता नहीं क्या क्या सोच रही है कि कहीं होगा कि नहीं होगा। अरे मुझे बुलाओ पहले। फिर ये लोग आई ऑफिस बैठी थी, इनको हंसाया जा रहा था, कमॉन हंसो हम लोग, हाँ कोई भोजपुरी में बोल रहा है, कोई गाना गा रहा है, मस्ती मजाक चल रहा था हंसाने के लिए कि ताकि ये हंसे कुछ। मैं कहा ठीक हो ठीक, 1 घंटे बाद भी रिजल्ट आएगा और शायद कुछ अच्छा पता चलेगा। और 1 ही घंटे के अंदर में मैसेज आता है हम लोग के सामने ही ऑफिस में, करे सर पता है। ये मुझे मतलब हंसी वाली बात है, गुस्से वाली बात है, मतलब एक लड़की की नहीं हुआ उसमें, 23 से 24 लड़कियां थी। एक रिया पतन क्या लड़की, क्या नाम था, आर्या, सर पता है आर्या का नहीं हुआ। मैं कहा कि अरे तुम्हारा क्या है? कह रहा था मेरा हो गया है। मैं कहा रे तेरी, मैं कहा ये देखो तो चलिए, लेट्स वेलकम टू यू, जो अपने घर की अमृत की तरह है और उसका नाम है अमृता। लेट्स वेलकम टू अमृता। यस अमृता प्लीज कम,
and kindly share your kind feedback. Exactly, how was your experience of achieving this big dream exactly? एक्चुअली सर ने इतना कुछ बोल दिया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कर रही हूँ. हाँ कल थोड़ा था, कल मैं ऑफिस में थी और आया रिजल्ट, तो उसमें एक लड़की को मतलब हमारे यहाँ ऐसा था कि जिनका नहीं होगा उनको रिमूव कर देंगे बैच से, फिर वो अनाउंस करेंगे कि हाँ गाइज यू आर सेलेक्टेड. तो सर ऐसे थे, मैं सर कहते क्या हुआ, मैं कह सर एक लड़की का नहीं हुआ. अरे तुम्हारा क्या हुआ? अरे सर मेरा हो गया पर उस लड़की का नहीं हुआ. सर कह रहे तुम्हारा हो गया? ये पक्का हो गया? हम कह यस सर हो गया. अरे तो खुश रहो हो गया तुम्हारा. तो सही बात है, मैं यहाँ वेलटॉक में आई थी 15 or 16 अक्टूबर आई थिंक, दैट वाज माय फर्स्ट डे हियर. सो मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, बहुत कुछ. एक पर्सनालिटी भी डेवलप हुई है, नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन, न कि लैंग्वेज डेवलप हुई है, एक पर्सनालिटी मेरी डेवलप हुई है और मैंने सर से बहुत कुछ सीखा है. अच्छा बटरिंग ना करना, जो है दिल से बोलना है, सच्ची उत्तर है. आप चले जाएं, हम चले, आप ऑफिस में आधे घंटे बैठे तो मैं बोलूंगी. अरे ठीक है नहीं नहीं हम तो ऐसे हंसी के बोलते. मैं कभी सर को कुछ बोलती नहीं हूँ ना, क्योंकि उनको लगता है मैं बटरिंग कर रही हूँ. नहीं नहीं यू विल से दैट, मैं ऐसे मजाक में बोलता रहता हूँ. एक चीज एनालाइज की हूँ जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ. लाइक मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, तो मैं मे बी मैं उतना ना बोल पाऊँ जितना मैं एग्जैक्टली फील करती हूँ. वहाँ यहाँ पे 15 को वो था सेलिब्रेशन, राइट? मैं नहीं थी उस दिन क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी. तो सर ने वो जो विल टॉक का था वहाँ पे लगा दिया था ऑफिस में. तो जब मैं डेली शाम को आती थी क्लास करने, तो एक दिन हम प्रतिभा और स्फूर्ति बैठे थे तीनों लोग. तो मैंने बोला कि अच्छा ये जो सर ने लगाया है विल टॉक, इसका एग्जैक्ट मतलब बताओ, विल टॉक का क्या मतलब है. तो ये लोग बोलने लगे, मतलब विल टॉक का अगर हिंदी में जाएँ तो अच्छा बात, अच्छी तरीके बात. हाँ मैंने बोला कि तुम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, विल टॉक के लास्ट में के है और दैट मींस कि वो कैप सर है. और वो चीज़ कैसे हैं, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी. कैप सर एक ज़ीरो नंबर की तरह है जो हम सब के पीछे लग के, जैसे जीरो किसी भी नंबर के पीछे जाके उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, वैसे कैप सर. और ये बदरी नहीं है, ऑनेस्टली दिल से है. और मैं इससे ज़्यादा सच में मैं मतलब खुद को कंसिडर करती हूँ, मैं नहीं हूँ बहुत एक्सप्रेसिव. सो उसके लिए सॉरी सर, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी. पर थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. हाउ डिड यू जस्ट मेक इट पॉसिबल, लाइक यू नो इट वाज काइंड लाइक फॉर मेनी पीपल यू नो इट इज वेरी टफ फॉर देम, सो टू बी कैप्टन क्रेड डू यू थिंक दैट इज रियली काइंड ऑफ टफ और इज इट? राइट नाउ आई एम फीलिंग दैट दिस इज नॉट टफ, बिकॉज़ इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ यू कैन डू इफ यू हैव दैट मच विल पावर, राइट? दैट्स ग्रेट. मैम प्लीज टेल मी योर जर्नी, हाउ कैन यू क्रैक इंटरव्यू, प्लीज टेल मी. एक्चुअली क्या ही पता, मुझे खुद ही नहीं पता मैं आ गया. नहीं मैं वाराणसी से हूँ, वाराणसी की चंदौली डिस्ट्रिक्ट. राइट. तो जब मैंने अपने पापा से पहली बार कहा कि पापा मुझे ये करना है, मुझे जाना है लखनऊ, मैं दिल्ली जाना चाहती थी पर मैं दिल्ली दूर था इसलिए मैंने बीच का लखनऊ बोल दिया कि शायद पापा जाने दे. तो पापा ने कहा कि अच्छा तुम करना चाहती हो तो चली जाओ. फिर पापा बाहर चले गए. फिर पता नहीं किसी से डिस्कस करा होगा, लोग हैं हमारे साइड में थोड़े वैसे जो कभी ट्रैवल नहीं किए, वो लोग ज़्यादा नसीहत देते ना. तो फिर पापा आए तो बोले कि ऐसा है कि तुम कुछ और कर लो. उस टाइम पे मेरा एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ था, पापा कहते वो कर लो. और उस टाइम अभी उसका डिले हो रहा था कोविड की वजह से, क्योंकि वो बिहार में था, बिहार का था ना, तो वो डिले हो रहा था. तो पापा कहते वो नहीं करा पाऊँगा मैं, ठीक है तुम कुछ और कर लो. तो मैंने फिर पापा से, मेरे पापा अगर एक बार कह देते हैं कि नहीं तो मैं पूछती भी नहीं हूँ कि क्यों. फिर मैंने मम्मी से कहा पूछिए ना क्यों, पापा बोले ऐसे नहीं, पूछिए ना. फिर पता चला कि किसी ने मना किया है. फिर मैंने उनको बहुत कन्विंस किया. फिर मैं यहाँ आई, फ्रैंकफर्ट में एडमिशन लिया. फिर मुझे वहाँ लगा कि मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन है ना, एविएशन का सबसे मेन कम्युनिकेशन है. तो फिर मैं वेलटॉक में आई और आज यहाँ
आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई जर्नी. एक टाइम सबकी लाइफ में आता है जब पर्सन को लगता है कि नहीं हो पा रहा है, गिव अप कर दें. कभी ना कभी तो एक टाइम ऐसा लगा होगा कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, शायद नहीं कर पाएंगे, वापस जाएं क्या या आगे जाएं. तो उस असमंजस की कंडीशन में मतलब आपने खुद को कैसे बिल्डअप किया वापस अपने ड्रीम के लिए, मतलब वापस अपने अचीवमेंट के लिए, कि नहीं हमको पीछे नहीं आना है, हमको आगे ही जाना है. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. स्फूर्ति, तुम मेरे साथ अक्टूबर से हो, तुम देख भी रही होगी. आई थिंक वो सिचुएशन सिर्फ कल ही था, रिजल्ट से पहले. मुझे लग रहा था अगर आज नहीं हुआ तो मैं घर चली जाऊँगी, लेकिन फिर हो ही गया. तो वैसा सिचुएशन कभी आया नहीं है. मतलब शायद मैंने वो चीज़ फील नहीं करी हो, क्योंकि मुझे लग रहा था नहीं मैं कर लूँगी. आई एम कैपेबल दैट मच दैट आई कैन क्रैक दिस इंटरव्यू. आप अपने गांव के एग्जांपल बन गए हो. यस, आपने तो बताया बोल दिया है कि अब लड़कियां आ गई हैं कि वो ये काम करेंगी. सर, हाउ कैन आई कंसीडर माई सेल्फ एज एग्जाम्पल जब तक वो कंसिडर नहीं करेंगी कि हाँ शी इज एग्जाम्पल. Okay, one of the best thing. No, I would like to say one of the worst thing first. क्या कह सकते हैं? What is that? Okay, आपके स्टाइल में मैं बताती हूँ. ठीक है. वो प्लग कर लीजिएगा कहीं तो और अच्छे से बात कर पाएंगे. Rewind. Yes. Natural. वही वाली जो. She's a great actor. Yes. सिर्फ कैश सर के लिए पूरी नहीं, बस मैं वो जो सर ने क्वेश्चन करा है मैं वो बताऊं. मैं लग भी रही हूँ कैश सर आज ना. अरे जो सर ने क्वेश्चन किया वो तो बताने दो. पहले क्वेश्चन बता के फिर एक्टिंग. एक चीज जो सर मतलब मुझे जो बुरी लगी बस वो चीज ये है कि सर पार्शियलिटी करते हैं. अब वो कैसे करते मैं बताती हूँ. पता नहीं किसी बैच में पढ़ा के आएंगे कुछ अच्छा सा टॉपिक और आएंगे. गाइस यू नो मेक हाउ टू मेक सेंटेंस बाय मेक. सब लोग भूल जाओ. मैं कतई जा रहा हूँ. और उस टाइम पे बुरा मुझे ये लगता था कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है तो हम बताए कैसे. नहीं, मेरे साथ दो तीन बार हुआ. मैं आप अब्सेंट रहती हैं, पढ़ाया रहता है, मुझे पता होता है. मैं अब्सेंट नहीं रहती हूँ, मैं बैच ही लेट ज्वाइन की थी ना. मैंने बैच ही लेट ज्वाइन किया था तो आपने चेंज करी है तो फिर हाँ सुबह आती थी फिर शाम में आने लगी. तो मैं अपनी ही तो बता रही हूँ जो चीज़ मुझे अब लेट पढ़ा दिया, हैड टू पढ़ा दिया, कंपल्सन पढ़ा दिया, क्या क्या पढ़ा दिया. अब पूछ रहे उसमें सब बच्चे यस सर. अब मैं चुपचाप बैठी हूँ, मुझे कितना बुरा फील होगा. सर मैं तो पढ़ी नहीं तो मैं बताऊँ कहाँ से. और सर पूछ देंगे अमृता बताओ, अमृता का मुँह बनाया, बताएं कहाँ से पढ़ी नहीं है. अरे नो इट्स बेस्ट थिंग ये है कि सर का नेचर बहुत फ्रेंडली है. और सर जितना मेरा ये गुस्सा था कि सर ने मुझे ये नहीं पढ़ाया, सर ने मुझे ये नहीं पढ़ाया, सर ने सब कुछ कवर किया है. दो दो घंटे मुझे एक्स्ट्रा पढ़ा के मेरे वो एक महीने के ट्रेनिंग पीरियड में अगर मैं 8 घंटे की ट्रेनिंग करती थी फिर 4 घंटे यहाँ करती थी तो 8 घंटे के बाद 4 घंटे सर मेरे साथ वो कराते थे, प्रैक्टिस कराते थे इंग्लिश की. तो वो शिकायत वहाँ से मेंटेन हो गई. ओके सो अमृता बेस्ट ऑफ लक. आप बहुत खुश रहें और कभी भी मौका मिले तो हम जैसे नन्हे मुन्ने को ज़रूर याद करें. राइट और जब भी ये ट्रैवल करेंगी कांटेक्ट में रहिएगा, उस फ्लाइट में ज़रूर ट्रैवल करिएगा और हमेशा टिंग एक्सक्यूज मी मैन कम ऑन
अगर हम मिले फ्लाइट में, इतना परेशान करने वाले हैं, एक्सक्यूज मी मैम, वहां पे भी बोलेंगे एक्सक्यूज मी मैम कम वाटर, यस यस दिस इज व्हाट आई वांटेड, ऑलराइट यस कैन आई हैव योर नंबर प्लीज मैम। सर ये है कि यहाँ पे रहने से बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमने देखा कई कोचिंग हमने देखा सर, ऐसा नहीं है, हमने नाम मत लेना कोचिंग का, बाय द वे वीडियो चल रही है ना, होता है कि मतलब बस मतलब हम घोड़े हैं दौड़ाया चले, अरे कसम से जो भी पढ़ाया बस हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ सर असल में ना मेरा मानना है कि एकदम दोस्त बन जाओ, एकदम भाई बन जाओ, कोई बहन की तरह एकदम मानता हूँ, तभी वो समझते हैं। अरे कसम, बस बस बहुत हो गया, यस वन क्वेश्चन कम ऑन, कभी कभी कुछ ज्यादा तारीफ होती है आप लोगों को मैं मानता हूँ, लेकिन एक कहते हैं ना कि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं, लेकिन आप लोग की मतलब की नदियां नहीं हैं। कभी कभी ना, कभी कभी कुछ लोग ना बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, उसके पीछे कुछ मतलब होता है। आपका मैं नहीं करूँ, आप तो स्टूडेंट हो, वो जो पा रहे हो भी कह रहे हो, हाँ ये भी मतलब हो सकता है तारीफ, तो हर एक तारीफ के पीछे कुछ मतलब होता है। Absolutely. चलिए खैर आते हैं, केक को काट लेते हैं और एंजॉय करते हैं, फिर चलते हैं। एक और लास्ट डायलॉग मुझे याद है अमृता का, एग्जैक्टली रिव्यू के ठीक 10 मिनट पहले, मैं कहा एकदम पॉजिटिव होकर बातें करना, एकदम काम होकर बात करना, एकदम जैसे लग रहा है यस पार्टी में बैठे हो, एकदम जैसे लग रहा है घर पे बैठे हो। एक बात बोली कसम, मैं कहा यस यस कर सर फाड़ दूंगी, कसम से कह रही सर फाड़ दूंगी मैं, यस यही चाहिए यही चाहिए, ऑलराइट। तो और कहीं ना कहीं वही हुआ। चलिए खैर आते हैं, अमृता प्लीज कम हियर, आप फिर से आ जाइएगा और केक को यहां रखते हैं प्लीज, यस कम ऑन, यस कांग्रेचुलेशन, यस यस। Oh.